नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायका विद सीमा में। आज मैं आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ आमे की खट्टी और चटपटी सी सब्जी। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाते हैं आमे की चटपटी सी सब्जी। बड़ा का सब्जी बनाने के लिए, जो ये काफ़ी ही चटपटी और तीखी भी बनती है, मार्केट में बहुत सारा आंवला आ चुका है। यहाँ पे मैंने करीब 250 के ग्राम आंवला लिया है और ये हरी मिर्च ली है करीब 50 ग्राम के करीब है। इसे मैं कट कर लेती हूँ 20 से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी को आंवले को काट लिया है। अब इसी तरह मैं हरी मिर्च को भी बीच में से दो भाग में काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में एक बड़े चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं काला सरसों थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और इसे चटकने देती हूँ। इसी में मैं कटी हुई हरी मिर्च और आंवला सभी डाल देती हूँ हल्का सा फ्राई। तो मैं एक चम्मच के करीब नमक डाल दे रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर ले रही हूँ। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक आइए इसका मसाला तैयार कर। जब तक हमारा आंवला फ्राई हो रहा है तब तक आइए हम लोग इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला के मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे मैंने पीला सरसों लिया है, 1 चम्मच के करीब धनिया लिया है, थोड़ी सी गोलकी लिया और कुछ लहसुन की कलियाँ ली है और इसे मैं ग्राइंड कर। तो ये देखिए आंवला मेरा पूरा भून चुका है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसी तेल में मैं थोड़ा सा हींग डाल दे रही हूँ और ये जो मैंने मसाला पीस के रखा था उसे डाल देती हूँ। आधा चम्मच के करीब हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए डाल के इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, इसलिए नमक मैं इस मसाले में नहीं डालूँगी। ये देखिए मसाला मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। आप अगर चाहे इसे तो ड्राई भी रख सकते हैं और चाहे तो इसे ग्रेवी की तरह भी सब्जी के रूप में ले सकते हैं। आप इसे दाल चावल या रोटी किसी के साथ भी ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं मुझे भी सारे जो आंवला था वो सब इसमें डाल के अच्छे से मिला दे रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका और इसमें बहुत थोड़ा सा मसाला डाल, जो मैंने मसाला पीसा था उसका मैं यहाँ पे जार को धो के पानी डाल दे रही हूँ और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार है, आइए इसे हम प्लेटिंग करते हैं। तो चलिए बन के हमारा रेडी है आंवले की तीखी और चटपटी सी सब्जी। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।